जिला सदर निजामाबाद जमीतुल उलमा हाफिज मोहम्मद लईक खान ने विलपुर के मुसलमानों की जानिब से की गई नुमाइंदगी पर जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु से मुलाकात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि जुमला 4 एकड़ 12 गुंटे अराजी कदीम कब्रस्तान ईदगाह के लिए वक्फ की गई है और वक्फे से विलेज कमेटी की जानिब से मुसलमानों को हरासा किया जा रहा है। इस अराजी पर प्लेग्राउंड बनाने का विलेज कमेटी मुतालबा कर रही है। उन्होंने कहा कि लोकायुक्त से भी मुसलमानों के हक में फैसला हुआ था, इसके बावजूद भी चंद शरपसंद अनासिर अराजी के मसले पर मुसलमानों को दबाव डाल रहे हैं। हाफिज लईक खान ने पुलिस कमिश्नर कमलेश्वर से भी इस खसूस में बातचीत की और मुसलमानों के अराजी के साथ साथ देहात में मौजूद मुसलमानों की जान माल के तहफ्फुज के लिए इकदाम करने का मुतालबा किया। आज जमीयत उलमा हिंद ज़िला निज़ामाबाद की जानिब से निज़ामाबाद ज़िले के कलेक्टर साहब और पुलिस कमिश्नर साहब को इस बात की तहरीरी नुमाइंदगी की गई कि जो वेलपुर में गुज़िश्ता कई बरसों से वहां की ईदगाह और कब्रस्तान की जगह को लेकर तनाज़ा चल रहा है और कल VDC जो विलेज डेवलपमेंट कमेटी है उन्होंने वहाँ के मुसलमानों को कब्रस्तान और ईदगाह की जगह को प्ले ग्राउंड और रास्ते के लिए इस्तेमाल करने पर दबाव बनाया, जिसको गांव वालों ने कबूल नहीं करते हुए वेलपुर के मुसलमानों ने इलाके के पुलिस स्टेशन में दरख्वास्त दी, उसके बावजूद उन्होंने नहीं माना और आज पूरा गांव वहां पर पुलिस के ख़िलाफ़ मुठभेड़ कर रहा है कि जो जगह पे कब्ज़ा लेना चाह रहे हैं उनको पुलिस रोक रही है। वहाँ के विलेज डेवलपमेंट कमेटी को इस बात का क्या इख्तियार है कि वो वक्फ की जगह और ईदगाह की जगह और कब्रस्तान की जगह को वो बुलडोज़र लगा के तोड़कर उस जगह पर वो प्लेग्राउंड और उमूमी रास्ते के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिस पर वहाँ के मुसलमान राज़ी नहीं हैं, इसलिए कि वो 4.5 एकड़ जगह के मुकम्मल दस्तावेज़ात है और उसके वक्फ बोर्ड में रिकॉर्ड है, यहाँ तक कि उसका AD सर्वे हुआ और सब कुछ उसके दस्तावेज़ात सबूत मौजूद होने के बावजूद इस तरह की हिरासानी मुनासिब नहीं है। मैं आज कलेक्टर साहब से भी तहरीरी नुमाइंदगी किया हूँ और CP साहब को भी दिए, कमिश्नर ऑफ पुलिस निज़ामाबाद से हम फ़ोन पर भी बात किए और उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं CP साहब का कि उन्होंने हमको इस बात का तयकुन दिया कि आप लोग बेफिक्र रहिए, प्रोटेक्शन किया जाएगा, किसी की जानी माली नुकसान नहीं होगा। हम CP साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, कलेक्टर साहब का भी, कि वो कलेक्टर साहब ने ये कहा कि इस जगह पर जैसी एज़ पर डॉक्यूमेंट उस जगह की हिफाजत के लिए ऑलरेडी फंड सेंक्शन है, उसको बाउंड्री बनाकर दिया जाएगा, इसलिए वहाँ के मकामी लोगों को और सारे शहर के लोगों से हम अमन बनाए रखने की, पीसफुल रखने की अपील करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स सेल्स एंड सर्विसेज टेक्नोलॉजी के इस दौर में हम लाए हैं आपकी खिदमत में ब्रांडेड डेल HP डेस्कटॉप लैपटॉप और CCTV कैमरा। 15 सालों से 3-5 लाख कस्टमर्स को सिंगल और बल्क क्वांटिटी होलसेल प्राइस विद लेटेस्ट जनरेशन। स्कूल कॉलेजेस कॉर्पोरेट ऑफिस को हम सप्लाई कर चुके हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट इंजीनियर्स की निगरानी में रिपेयर चिप लेवल के सर्विसेज भी अवेलेबल है। अगर आप घर दुकान और लोकेलिटी को क्राइम फ्री और सेफ रखना चाहते हैं तो हमसे इंस्टॉल करवाइए CCTV कैमरा HD क्लियरिटी और वो भी बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट प्राइस के साथ। और एड्रेस विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रयान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली माजी, कॉन्टैक्ट 9849715954।